हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, हमारे बिहार में नवरात्रि का जो पर्व है वो हो चुका है खत्म, और नवरात्रि से पहले ही हमारी भारतीय रेलवे ने बिहार आने जाने के लिए देश के कई भागों से कई सारी ट्रेनों की अनाउंसमेंट की थी, जो कि अभी चल रही है और आने वाले 1.5 से 2 महीने तक चलेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमारी भारतीय रेलवे ने एक बड़ा झटका दिया है बिहार के रेल यात्रियों को, और कई सारी नॉर्मल यानी कि सामान्य ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, क्यों किया गया है इन ट्रेनों को कैंसिल और कब तक ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, आज किस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इस प्लीज क्लोज करूं मेरा आपसे आग्रह, यदि भी कल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कोई शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पे कैंसिलेशन की बात करें तो कुल मिला के 19 जोड़ी यानी कि 38 ट्रेनें कैंसिल है। कई सारी ट्रेनों का रूट बदला गया है, कई सारी ट्रेनों की जो टाइमिंग है वो बदली गई है। और यदि हम यहाँ पे काम की बात करें कि ट्रेनें क्यों कैंसिल हुई है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन का रीजन है मुजफ्फरपुर जंक्शन। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हमारी भारतीय रेलवे नॉन इंटरलॉकिंग यानी कि एनआई का काम करेगी, इसी कारण से ये सभी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। यदि हम यहाँ पे कैंसल ट्रेनों की बात करें तो यहाँ पे लिच्छवी एक्सप्रेस आ जाती है सबसे पहले नंबर पे। इस ट्रेन को कैंसिल किया गया है सीतामढ़ी जंक्शन से 15 से लेकर 17 अक्टूबर तक, और वहीं ये ट्रेन रिवर्स में यानी कि आनंद विहार से 13 से लेकर 15 अक्टूबर तक कैंसिल रहेगी। इसी के साथ साथ पटना नरकटियागंज इंटरसिटी जिसका नंबर है 1520102, 14 से 16 अक्टूबर तक ये ट्रेन कैंसिल रहेगी। इसी के साथ साथ पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, ये ट्रेन 13 अक्टूबर को कैंसिल है। इसकी रिवर्स ट्रेन यानी कि मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस 16 अक्टूबर को कैंसिल कर दी गई है। सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ट्रेन 14 को, और मुजफ्फरपुर सूरत ट्रेन ये ट्रेन 16 को कैंसिल कर दी गई है। इसी के साथ साथ कई सारी पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल है। ट्रेन संख्या 0559596 समस्तीपुर दरभंगा पैसेंजर, इसी के साथ साथ मुजफ्फरपुर नरकटियागंज मेमू पैसेंजर, पाटलिपुत्र दरभंगा मेमू, ये सभी की सभी जो ट्रेनें हैं ये 14 से लेकर 17 तक कैंसिल रहेंगी। और दोस्तों, इसी के साथ साथ रक्सौल मुजफ्फरपुर पैसेंजर, मुजफ्फरपुर नरकटिया पैसेंजर, समस्तीपुर मुजफ्फरपुर पैसेंजर और मुजफ्फरपुर नरकटियागंज पैसेंजर, ये सभी 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक कैंसिल रहेंगी। इसी के साथ साथ कुछ अन्य ट्रेनें जो हैं उन्हें करीब 1.5 से 2 घंटा लेट चलाया जाएगा, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। इतना ही, मिलेंगे फिर वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।